नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम उपाध्याय। मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास में टेक्सटाइल डिज़ाइन में परंपरागत वस्त्र के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैसे कपड़ों की बुनाई होती है, कैसे हम कपड़ों को बुनते हैं, उसके बारे में किस करघे का प्रयोग करते हैं, भारत में कौन से करघे का प्रयोग किया जाता है, कैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास में परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे यहाँ भारत में अति प्राचीन काल से जो है वस्त्र निर्माण की कला विकसित होती रही है। इसका उल्लेख पुराणों में भी हमें देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार वस्त्र कला जो हमारे यहाँ है बहुत महत्वपूर्ण हस्तकला के बारे में हम आज देखते हैं। तो यह कला जो है हमें आज ही नहीं, वैदिक काल से भी भारतवासियों के ने इसको तैयार किया है, जिसमें रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों का निर्माण करते हुए हमारे यहाँ अन्य कलाएं जो है प्राचीन काल से अपना उन्नत रूप लेती रही हैं, जिसमें जो है शिल्पकला है, संगीत कला है, चित्रकला है आदि के सुंदर नमूने हमें आज भी उपलब्ध होते रहे हैं। वस्त्र कला का निर्माण, भारत में वस्त्र कला का निर्माण किस तरह से होता है, यहाँ पे कैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि हमारे यहाँ जो वस्त्र कला का निर्माण होता है वह जो है जो वहाँ यहाँ पे बुनाई की जाती है वस्त्रों की, वो ज़्यादातर जो है बुनकर ही या जुलाहे ही करते हैं। वे ज़्यादातर मुस्लिम ही होते हैं और वही जो है इस कला का निर्माण करते हैं। और यह कला जो है हमें जो है जो बुनकर करते हैं वह अपने परिवार के रूप में ही आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे अपने खुद करते हैं फिर अपने बच्चों को देते हैं, और यह परंपरागत वस्त्र जो है तैयार होते रहते हैं। इन वस्त्रों के सबसे प्रमुख गुण ये होते हैं कि यह जो है बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सलीके से, और ये बहुत लंबे समय तक तैयार होते हैं और इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यह कीमती वस्त्र होते हैं जिनको कि हमें तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। इस समय के वस्त्र जो है उनके गुण और उनके स्थान के आधार पर हम इनके नाम को डिसाइड करते हैं, रखते हैं। जैसे बनारस की बनारसी साड़ियाँ हैं, ढाका का मलमल है, कश्मीर की पश्मीना है, गुजरात का पटोला, इस तरह से हम उनके जो है नाम को उन जहाँ पे तैयार की जाती है उन्हीं के आधार पर रखते हैं और उनके नमूने तैयार करते हैं। बनारसी, आज हम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं बनारसी साड़ी के बारे में। बनारसी साड़ी के बारे में हम यह जानते हैं कि यह सबसे कीमती साड़ी वस्त्रों के रूप में जानी जाती है। ये ज़्यादातर साड़ियाँ जो हैं बनारस में तैयार की जाती हैं और इन्हें विशेष रूप से जुलाहे ही तैयार करते थे। इसको बनाने के लिए हमें दो प्रकार से वस्त्रों को बुना जाता था, पहला है फेकुआ और दूसरा है कटुआ। फेकुआ का मतलब यह है कि हम एक जो है धागे को सटल बॉक्स से, एक बॉक्स से दूसरी बॉक्स में डालते थे और उसको जो है बुनाई की क्रिया इसी तरह से हम करते थे। और कटुआ का मतलब है कि इसमें हम बुनाई को वीप करते हैं और उसके बाद हम पीछे से उसकी कटाई करते हैं। डिज़ाइन के जो पीछे एक तार से दूसरे तार तक जाते हैं उनको हम धागों को बुनने के बाद उनकी फिनिशिंग करते हैं और बैक साइड से उसको पीछे से हम उसको काट के उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं, ताकि वह धागा आपस में फंसे भी नहीं और हमें साड़ी पहनते समय भी वह हमें पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वो हमारी डिज़ाइन जो है ख़राब ना हो। बनारसी साड़ी की एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं शादी विवाह में। हिंदू औरतें जो हैं, हिंदू जो स्त्रियां होती हैं वो ज़्यादातर इन्हें जो है शादी विवाह के अवसरों पर ही पहनती हैं। यह कला जो है हमें मुग़ल काल के बादशाहों के समय से ही हमारे यहाँ शुरू हो गई थी, जिसमें कि बनारसी साड़ी परंपरागत रूप में तैयार की जाती है। इसे हम जैकार्ड पिटलूम के माध्यम से तैयार करते हैं। ये साड़ियाँ
ज़्यादातर राजघरानों में पहनी जाती थी, लेकिन आज जो है भारत की पहचान ये विख्यात साड़ी परंपरागत रूप से हमें एक परिधान के रूप में जानी जाती है, और ये आज भी हमारी भारतीय स्त्रियां या अन्य देशों में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से पसंद की जाती हैं। ये हमारी बनारसी साड़ी की कुछ क्लिप्स हैं जिसको कि हम दिखा रहे हैं। ये है हमारी बनारसी साड़ियाँ जिसको कि हम तैयार करते हैं। इसमें बहुत तरह की बनारसियाँ हैं, जैसे बॉर्डर है, ये है बॉर्डर, पल्लू है, आँचल है, तो इस तरह से ऑल ओवर के पैटर्न्स हैं। तो ये सारे पैटर्न्स जो है हम यूज़ करते हैं अपने बनारसी साड़ियों में, जिनको कि तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, और ये ज़्यादातर उस समय जो है हाथों से ही तैयार की जाती थी, हाथों द्वारा ही तैयार की जाती थी, जिसके थ्रेड जो होते थे वो उस समय मुगल काल के समय में जो है सोने चांदी के तारों से ही तैयार की जाती थी। इसमें गोल्डन है तो सोने के तार का यूज़ करते थे, जिसमें सिल्वर होते थे वो जो है चांदी के तारों से प्रयोग की, और ज़्यादातर इसको जो है राजा लोग ही, राजा महाराजा या उनकी जो महारानियाँ होती थी उनको पहनती थी। ये विश्व की सबसे लंबी और विख्यात साड़ी है। इसकी लंबाई कम से कम 4 से लेकर 6 गज की होती है। इसमें इसे हम ब्लाउज और पेटीकोट के साथ तैयार करते हैं, और ये सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो है महाराष्ट्र में जो है इसको 9 गज की साड़ी के रूप में पहनते हैं। 9 गज लंबी होती है इसको पहनते, आज भी पहनते हैं। इतिहासकार पर नज़र डालें तो इसका उल्लेख वेदों में भी हमें मिलता है। ये परंपरागत परिधान साड़ी आज भी तरह तरह की रंगों डिज़ाइनों में हमें देखने को मिलती है, और ये जो है इनमें ज़्यादातर जो है हम जो वस्त्र तैयार करते हैं वो ज़्यादातर दुपट्टे हैं, लहंगे हैं और पटका है, इस तरह के वस्त्र हम इसमें तैयार करते हैं, और ये बहुत कीमती होते थे। उस समय के जो राजा लोग धारण करते थे वो कीमती वस्त्रों को धारण करते थे, उसमें इनकी गिनती होती थी। उसके बाद आता है बनारसी साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है। बनारसी साड़ी की कुछ विशेष बातें होती हैं जो उनकी अपनी अलग से पहचान रखती हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि बनारसी साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि इसमें ज़्यादातर जो है सोने और चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता था। धागों का, एक्स्ट्रा धागों का प्रयोग करके हमें उन डिज़ाइनों को उभारा जाता था। पहले के ज़माने में जरी वर्क सोने और चांदी से तैयार किए जाते थे। पल्लू हैवी होता था, भारी होता था, जिसको कि पहनते समय बहुत जो है बहुत आसानी से उसको नहीं पहन सकता था, और उसको कैरी करने के लिए 2-3 लोग की मदद लेनी पड़ती थी। उसके बाद आता है इसे हम ज़्यादातर जो है जॉर्जेट है, खादी है, सिल्क, शिफॉन, आज भी हम इन कपड़ों पे इसको तैयार करते हैं। इन पे जब हम तैयार करते हैं, पहले तो हम सिल्क में तैयार करते थे, वो बहुत हैवी हो जाता था। उसके बाद हम इन कपड़ों को तैयार करते हैं तो उसमें हम जो है अब रेशम के धागों का प्रयोग करते हैं। डिज़ाइन को उभारने के लिए हम क्या करते हैं, रेशम के धागों को, कलरफुल धागों का प्रयोग करके उस डिज़ाइन को बनारसी का रूप देते हैं, तो वो जो है हमें पहनने में भी इजी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, वो हम हर ओकेज़न पे भी पहन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर जो है पल्लू और बॉर्डर हैवी रखते हैं, बेस जो है हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको लाइट कर देते हैं, और पल्लू और बॉर्डर को बहुत हैवी डिज़ाइनों से उसको सजाते हैं। बनारसी साड़ियों की कुछ विशेषताएं, कुछ पैटर्न निम्नलिखित हैं जो हम आगे देखते हैं। इसमें कुछ पैटर्न तैयार किए जाते हैं जो विशेष रूप से जाने जाते हैं, उनके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कैरी। कैरी जो है इसको हम अंग्रेजी में पेजली भी कहते हैं, और ये एकदम आम के आकार का होता है। इसको हम अगर सीधा कर देते हैं तो बिल्कुल ये आम के आकार का हो जाता है, जिसको कि हम पेजली कहते हैं। ये जो है कैरी जो है बनारसी साड़ी की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। आप किसी भी साड़ी में देखोगे तो बनारसी साड़ी में आपको पेजली, अगर पुरानी से पुरानी साड़ी भी देख रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है कि पेजली, वह आपको ज़रूर दिखाई देगी। उसके बाद आता है बूटी। तो ऑल ओवर साड़ी में हम अगर बूटी देते हैं पूरे बैकग्राउंड में, ये ऑल ओवर है, जैसे पूरे पैटर्न पे हम जो है इसमें डिज़ाइन देते हैं,
तो इसको बोलते हैं बूटी। इस तरह से हम पूरी साड़ियों में बूटी को सेट कर देते हैं। उसके बाद आता है बेल, ये हमारी बेल हो जाती है। इस टाइप की बेल होती है जो कि दोनों साइड, ऊपर साइड और नीचे साइड, साड़ी के ऊपर भी होती है और नीचे भी, दोनों साइड हम उन बेल से उस डिज़ाइन को बांध देते हैं ताकि रेशे बाहर ना निकले और हमारी डिज़ाइन भी देखने में अच्छी लगे। उसके बाद आता है हमारा जाल। जाल को हम पल्लू पे भी दे सकते हैं हैवी बनाने के लिए, और पल्लू पे अगर हम ना दें तो हम इसको जो है बीच में अपने ऑल ओवर डिज़ाइन में भी प्रयोग करते हैं। बहुत हैवी बनाने के लिए हम इस जाल का प्रयोग करते हैं। जाल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हुए इस डिज़ाइन को एक दूसरे से बांध के आगे बढ़ना। तो ये पूरा पैटर्न जो है हमारा ऑल ओवर डिज़ाइन पे प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम इसको बॉर्डर में भी सेट कर सकते हैं जाल को, पल्लू में भी, पल्लू को हैवी बनाने के लिए भी। तो ये ज़्यादातर साड़ियों को हैवी बनाने के, भारी बनाने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, इसमें भी देखिए अम्मिया का प्रयोग किया गया है, कैरी जिसको बोलते हैं कि कैरी। इस कैरी से बॉर्डर्स को हम बनाते हैं। अगर हमें बॉर्डर ज़्यादा पतला चाहिए तो हम इस तरह से बनाते हैं। अगर हमें ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ा चाहिए, 6 इंच का चाहिए या 12 इंच का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी के जस्ट रिपीट कर देते हैं। रिपीट मतलब एक बार बनाया फिर उसको हम दोबारा बना देते हैं, तो क्या होता है कि ये मेरा कंप्लीट बॉर्डर और हैवी हो जाता है। उसके बाद हम इन दोनों बीच के डिज़ाइन बना के इन दोनों बॉर्डर्स को पतले बॉर्डर से इस डिज़ाइन को बांध देते हैं ताकि ये डिज़ाइन देखने में अच्छी भी लगे और ये डिज़ाइन और ज़्यादा खिल के सामने आए। तो ये होता है हमारा बॉर्डर। इस बॉर्डर को हम पूरा नीचे से लेके चारों तरफ देते हैं और इस बॉर्डर को हम कहीं कहीं ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। उसके बाद होता है बनारसी साड़ी में छठा है कि कैरी, कोनिया। कोनिया क्या होती है, कोनिया जो होती है वो ये साड़ी जो पल्लू होता है, इस पल्लू के ऊपर के साइड यहाँ कॉर्नर में जो होता है उस डिज़ाइन को हम कोनिया कहते हैं। इस तरह के कॉर्नर में डिज़ाइन बनाई जाती है और इस डिज़ाइन को हम जो है कोनिया कहते हैं। ये बनारसी साड़ी में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। आजकल और साड़ियों में भी प्रयोग की जाती है, लेकिन हमारी जो पहले के पैटर्न थे, परंपरागत साड़ियाँ थी, उनमें इस कैरी का प्रयोग को, कोनिया का प्रयोग करके हम इस डिज़ाइन को और खूबसूरत और हैवी बनाते हैं। उसके बाद होता है ये पल्लू। पल्लू मेरा ये है जिसको कि हम जो है डिज़ाइनों से या बॉर्डर से या बीच में लंबी डिज़ाइन डाल के हम इसको पूरी तरह से हैवी बनाते हैं। ये हो गया हमारी बनारसी साड़ी। उसके बाद आता है, ये है हमारी बनारसी साड़ी की विशेषता है। उसके बाद आता है हमारी दूसरी है परंपरागत साड़ियाँ हैं ढाका का मलमल। ढाका जो है, ढाका मलमल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें भी यहाँ पे भी जो साड़ियाँ तैयार की जाती हैं वो बहुत ही कीमती साड़ियों के रूप में मानी जाती हैं, जिसमें कि ढाका की साड़ियों को सोने चांदी के तारों से तैयार किया जाता है। इन्हें हम जामदानी के रूप में, जामदानी के नाम से जानते हैं। ढाका में जो साड़ियाँ तैयार की जाती हैं उन्हें हम जामदानी के नाम से जानते हैं। इसमें ज़्यादातर पशु पक्षी आकृतियाँ, हंस आदि के पैटर्न हमें पौराणिक कथाओं के आधार पर जो है दिखाई देते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है जो बुनकर होते हैं वो अपने जो है ऐसे चित्र का प्रयोग करते हैं जो गतिमान हो, जो या तो चलते फिरते दिखाई दे, ऐसा हो कि उसमें उसका एक्शन जो है गति से प्रभावित होता हो। ऐसे चित्रों को हम जो है इसमें बनाते हैं, और उस जैसे उड़ती हुई चिड़िया, नृत्य करती हुई आकृति, इस टाइप के पैटर्न का प्रयोग करके इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं। ये होती है इसकी विशेष रूप से खासियत होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मलमल की साड़ी होती है ये बहुत ही बहुत बहुत बारीक होती है, पतली होती है, और इसको बनाने में कम से कम हमें लगता है कि 4 या 6 परत भी अगर तैयार की जाए, लंबी बनाई जाए, तो इसे बनाने में बहुत समय लगता है क्योंकि ये बहुत बारीक होती है। दूसरी बात यह है कि इसके कपड़े बहुत झीने होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इसमें जो साड़ियाँ हम बनाते हैं वो बहुत पतले होते हैं, और अगर हम इसको
चार या छः परत भी इसको लपेट लेते हैं तो वो जो है पूरी तरह से हमारे शरीर को नहीं ढकता, ये इसकी विशेष रूप से खासियत होती है। ये है हमारे ढाका के मलमल, इतने बारीक होते हैं कि आपके ट्रांसपेरेंट हाथ भी पूरी तरह से आपको दिखाई देंगे। इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं इसमें हम इसको डालते हैं। ढाका के मलमल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह जो है बारीक मुलायम और झीने कपड़े होते हैं इसके। इसको अगर हम चाहे तो जो है एक अंगूठी के अंदर से हम उसको 6 गज की साड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। उसके बाद आता है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है अगर हम इसको तैयार करते हैं तो केवल 5 गज की साड़ी जो है हम 5 महीने में इसको तैयार करते हैं। इतने पतले होते हैं और इतनी इसमें कारीगरी होती है कि इसको एक विशेष प्रकार के जो जुलाए होते हैं वही तैयार करते हैं और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद है कि मलमल की साड़ी में पतले और झीने कपड़े होते हैं, इसको अगर हम 1-2 परत भी पहने तो भी हमें पूरी तरह से शरीर को नहीं ढक सकता है और इतनी इसके पतले कपड़े होते हैं। उसके बाद हम आते हैं गुजरात का पटोला। गुजरात जो है ज़्यादातर यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं वह शादी विवाह में ही तैयार की जाती हैं और पहनी जाती हैं। ये साड़ियाँ काठियावाड़ा एवं गुजरात में बनाई जाती है। यहाँ के वस्त्र जो है ज़्यादातर महिलाएं तैयार करती हैं और ये लोकप्रिय होते, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आज भी ये वस्त्र शुभ मंगल और मांगलिक कार्यों के समय ही पहनी जाती हैं और ये ज़्यादातर जो है जो विवाहित औरतें होती हैं या महिलाएं होती हैं वही इनको धारण करती हैं। यह वस्त्र साधारणतः बुनाई से बनाए जाते हैं, परंतु इन्हें जिन धागों से बनाया जाता है उन्हें पहले हम बांध कर डाई कर लेते हैं। डाई मतलब जब हम कोई भी धागे, इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत यह होती है कि इसको बनाने से पहले हम इसकी तानी को डाई करते हैं। डाई मीन्स हम उसको कलर करते हैं। धागे को पहले हम ताने को तैयार करते हैं और डिज़ाइन के अनुसार इसके पैटर्न को हम जो है ताने को बांध लेते हैं। जिस जगह पे हम बांधते हैं उस जगह पे हमें जो है कलर रोकना पड़ता है, वहाँ कलर नहीं जाता है, और जिन जगह को ओपन रखते हैं या खुला रखते हैं उस जगह पे कलर चला जाता है। और ये पूरी तरह से ताने को पहले हम तैयार कर लेते हैं, रंगाई करके तैयार कर लेते हैं, उसके बाद तब हम ताने तैयार करते हैं। तानी तैयार करने के बाद उसको हम धागों से, बाने के धागों से उसको हम बुनाई करते हैं। यह एक विशेष प्रकार के बुनकर द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये ज़्यादातर रंग जो है ब्राइट कलर मतलब चटकीले कलर का प्रयोग किया जाता है इसमें और उससे यह तैयार ये साड़ी तैयार की जाती है। ये है हमारा, और इसमें जो है हमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल पैटर्न का प्रयोग करते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस है, ये है स्क्वायर है, ये इस टाइप के डिज़ाइंस जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें इसमें तैयार करते हैं। जैसे कि हमें हाथी भी बनाना है तो वो जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हल्का सा हम वो शेप देते हैं ताकि यह तानी से बनता है और बाने का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें इस टाइप के पैटर्न का प्रयोग करना पड़ता है तो वो डिज़ाइन जो है हमें आसानी से तैयार की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आम तौर पर जो है ये जो है ज़्यादातर ब्राइट कलर का प्रयोग किया जाता है इसमें और इसे जो है बनाने के लिए मास्टर बुनकर को ही लेकर हम इस डिज़ाइन के पैटर्न को तैयार करते हैं और ये ज़्यादातर सिल्क पे ही तैयार की जाती है। सिल्क पे रेशम के धागों से इसका हम निर्माण करते हैं। इस साड़ी को बनाते समय ज़्यादातर ज्यामितीय डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं और चटकीले रंगों का प्रयोग करते हैं इसमें। उसके बाद आता है कि इसके पैटर्न क्या हैं। इसमें ज़्यादातर जो पैटर्न होते हैं वह जो है ज्योमेट्रिकल आकृति के होते हैं, जिसमें कि नर्तकी है, हाथी है, फूल, टोपरी, डायमंड डिज़ाइन, इस तरह के पैटर्न को लेके हम इस डिज़ाइन को वीव करते हैं ताकि हमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न होने से हमें बुनाई करने में भी आसानी होती है और एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको वीव करते चले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बालूचर साड़ियाँ। बालूचर साड़ियाँ भी अपने समय में विख्यात साड़ी है, आज भी इसको बहुत लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और आज भी उसको विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल की साड़ी है, मुर्शिदाबाद में तैयार होती है।
इस समय बनारसी साड़ी में भी बालूचर साड़ियों का प्रयोग देखने को मिलता है हमें, जिसमें कि ज़्यादातर साड़ियाँ जो है फूल पत्ती एवं पल्लू पे विशेष प्रकार के आकर्षण की डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसमें देख रहे, इसमें जो है जो डिज़ाइन है इसमें जो है राजा का चित्र है, राजा रानी के साथ हिरण आदि का, इस तरह के पैटर्न का प्रयोग करके हमें इसको मानव आकृति के रूप में इसको तैयार करते हैं। वो ज़्यादातर जैसे हुक्का पीते हुए सामंत, इस तरह के पैटर्न का हम इसमें प्रयोग करके इस डिज़ाइन को और आकर्षित और सुंदर बनाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये बॉर्डर में जो है पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग करते हैं, इसमें पौराणिक कथाओं के आधार पे उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं और उसमें जो है कलर जो है ब्राइट रखते हैं। बालूचर साड़ी बनाने के बुनकर जो होते हैं वो मुग़ल काल के चित्रकार के सामंत आकृतियों के आधार पर तैयार करते हैं उनको। जैसे मुग़ल काल में हुक्का पीते हुए राजा का चित्र बना दिया, शिकार करते हुए बना दिया, ठीक है, फूल सूंघते हुए किसी रानी का चित्र बना दिया, तो इस तरह के जो चित्र ये पैटर्न होते हैं वो हम इसमें तैयार करते हैं। उसके बाद आता है पंजाब की फुलकारी। पंजाब की फुलकारी जो है, फुलकारी का शब्द है फूलों से है कि फूलों का काम, फूलों द्वारा काम होता है। इसमें परंपरागत कढ़ाई के रूप में इसको जाना जाता है। यह ज़्यादातर कढ़ाई जो है भरवा कढ़ाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। भरवा स्टिच होती है उसके आधार पर, और इसमें हमें चुनरी है, दुपट्टा है, इस तरह के जो है पैटर्न होते हैं उन पे हम जो है कढ़ाई करते हैं। पंजाब इसको जो है ज़्यादातर पंजाब की महिलाएं ही अपने घरों में ही कढ़ाई के रूप में बनाती हैं, और इस कढ़ाई को ख़ास तौर पर जाट लोगों में ही इसका प्रचलन है। इस साड़ी का ज़्यादातर जो है जाट लोगों में ही प्रचलन है। ये ज़्यादातर खद्दर के वस्त्रों पे ही तैयार किए जाते हैं। इसके टाके जो है बिल्कुल रफू जैसे होते हैं, रफू में बहुत बारीक जो टाके होते हैं उन्हीं टाकों से इसका निर्माण करते हैं। इसके लिए एक प्राचीन कथा प्रचलित है कि इस समय पंजाब में इस समय इस कढ़ाई के लिए एक प्राचीन कथा यह है कि इस समय जो कन्या का जन्म होता, जिस घर में भी कन्या का जन्म होता था उसके घर वालों की जो महिलाएं होती थी वह जो है उनके विवाह के लिए तभी से तैयारी शुरू कर देती थी और इस टाइप के पैटर्न को लेके वह उनके लिए वस्त्र बनाना शुरू कर देती थी घरों में। और उनको ये लगता था कि फुलकारी को कन्या के लिए मात्र स्नेह और गौरव का प्रतीक मानकर उसको वह तैयार करती थी और उसमें अपना पूरा जो है सम्मान, भावनाएं, कल्पनाएं, मतलब हर चीज़ उसको उसमें डाल के और उसको बहुत लगन से उसको तैयार करती थी ताकि वह जो जब कन्या का विवाह करे तो उसको उसको दे दे। ये है हमारी पंजाब की फुलकारी। इसमें जो है इस तरह के पैटर्न का प्रयोग करते हैं, इसको चौकोर भी रखते हैं और इसमें भरवा टाइप की कढ़ाई करते हैं। इस तरह से हम ऑल ओवर भी बना सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर में भी दे सकते हैं, और ये हमारा पूरा पैटर्न होता है। ये हमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे भी इसका भी प्रयोग करते हैं ताकि हमें जो है डिज़ाइन बहुत आसानी से तैयार की जाए। और इसमें कलरफुल थ्रेड का प्रयोग करते हैं, धागों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर चमकीले और चटक दिखाई दे। पंजाब की फुलकारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो है ज़्यादातर जो है ज्यामितीय आकारों में ही तैयार की जाती है। इसमें लाल, जैसे इसमें कलर का जो प्रयोग किया जाता है, लाल है, नारंगी है, नीले हैं, पीले हैं, मतलब इस तरह से चटकीले रंगों का प्रयोग करते हैं ताकि जो है वह देखने में भी अच्छा लगे और हमारी डिज़ाइन जो है और उभर के आए। इसमें कपड़ों के चारों ओर हम त्रिकोण या हम आयताकार के बॉर्डर्स भी दे देते हैं और बीच में हम उसमें कुछ भी डिज़ाइन को तैयार करते हैं। ये है हमारे उत्कृष्ट कढ़ाई के नमूने।
इसमें हमें कोई भी बाध्यता नहीं रहती है, हम अपने मौलिक रूप से इस डिज़ाइन को तैयार करते हैं ताकि वह हमें देखने में सुंदर, जब हमें देखने में सुंदर लगेगा तो हम कोई भी डिज़ाइन को उसमें डाल के तैयार कर सकते हैं। इसका पैटर्न ज़्यादातर जैसे चांद है, सूरज है, मकड़ी का जाला है, फूल पत्ती, सागर तरंग, मतलब इस तरह की सुंदर आकृतियाँ बस देखने में अच्छी लगे और हम अपने खुले विचारों से उसमें कोई भी पैटर्न का प्रयोग करके उस डिज़ाइन को हम तैयार कर देते हैं। फुलकारी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसको हम दो तरीके से कढ़ाई कर सकते हैं, एक कशीदाकारी फुलकारी और दूसरा कच्चे की फुलकारी, ये दो तरीके से बनती है। शीशेदार फुलकारी की सबसे कशीदाकार जो फुलकारी होती है उसमें शीशे द्वारा कढ़ाई की जाती है, तो शीशे के द्वारा कढ़ाई जो की जाती है उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती है इसकी कि इसको हम जो है कपड़ों पर डिज़ाइन बना के बीच में शीशे को लगा देते हैं और चारों तरफ से उसमें फ्रेमिंग कर देते हैं, काज स्टिच से उसको पूरी तरह से बांध देते हैं। जब हम शीशे को पूरी तरह से काज स्टिच से बांध देते हैं तो डिज़ाइन अपने आप खूबसूरत हो जाती है और हमेशा उसको जो है ज़्यादातर कंट्रास्ट कलर का प्रयोग करके उस डिज़ाइन को हम बांध देते हैं। ये शीशेदार जो फुलकारी होती है वो ज़्यादातर सिंध प्रांत में ही तैयार की जाती है। इसकी कढ़ाई के टाँके जो है बहुत सीधे और सरल होते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति इसको तैयार कर सकता है और सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम जो है डार्क कलर में रखते हैं। जब हम बैकग्राउंड को डार्क कलर में रखते हैं तो उसमें हम सारी कलर का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी लाइट कलर का या कंट्रास्ट कलर का प्रयोग करके हम और उसको निखार सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम ज़्यादातर उसका जो बेस होता है, बैकग्राउंड होता है, उसको हम डार्क रखते हैं। डार्क कलर रखने से हमें जो है उसमें ये कोई भी कलर जो है लगाने में सहूलियत मिल जाती है और उसका कंट्रास्ट दिखता है तो डिज़ाइन को और आकर्षित करता है। उसके बाद है कच्छ की फुलकारी की ये विशेषता होती है कि इसमें ज़्यादातर फूल पत्ती के नमूने होते हैं, हाथी, मोर, तोता, इस टाइप के पैटर्न का प्रयोग करके हम उसको जो है चेन स्टिच या हेरिंग बोन स्टिच, इन दोनों स्टिच का एम्ब्रॉयडरी में है, इन दोनों स्टिच का प्रयोग करके हम इस बॉर्डर को तैयार करते हैं और उसको हम जो है किसी भी रूप में, किसी भी पैटर्न में, चाहे वो जो भी हो, फूल पत्ती हो, कोई भी फिगर हो या जानवरों के चित्र हो, तो उसको हम तैयार करके उसमें हम चेन स्टिच भी दे सकते हैं और हेरिंग बोन स्टिच दे के उसको हम अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करके उस आकृति को और उभार सकते हैं। फुलकारी को आज भी लोग बहुत शौक से अपना पहनते हैं और चाहते भी हैं पहनना, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ब्राइट होती है लेकिन इसको अगर ओकेजन वाइज पहनते हैं तो ये देखने में भी और कीमती वस्त्रों में इसको भी जाना जाता है। इस तरह से है हमारे प्राचीन परिधान जो कि हमें तरह तरह से वस्त्रों को बनाने में, उनके पहचान के, अपनी पहचान के माध्यम से हमें जो है आकर्षित करते हैं और हम उनको पहनते हैं। भारत के प्राचीन गौरव और वैभव के प्रतीक ये कला के अद्भुत नमूने आज भी हमें भारतीय संस्कृति के धरोहर के रूप में विभिन्न राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर हम गौरवान्वित होते रहते हैं। धन्यवाद।